नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में बात की थी हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के बारे में। आज बात करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, इसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना की बात करें तो नवंबर 1974, यानी कि इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसके मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें अभी 30 सदस्य हैं। क्या है? 30। इसके मेंबर कितने? 30। नवीनतम कौन है? मैक्सिको 2018 में। 8 एसोसिएशन देश भी हैं, जिनमें आपका भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड। इसके सदस्य होने के लिए ओईसीडी का सदस्य होना चाहिए। ओईसीडी के ढांचे के भीतर एक स्वायत्त निकाय है आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आपकी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट भी जारी करती है। तो पूछ लेगा आपसे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपको बता देना है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है आपकी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। अब हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण के मिशन की, तो इसके मिशन में शामिल हैं तेल, तेल गैस और कोयले की आपूर्ति एवं मांग, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विद्युत बाजार, ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा तक पहुंच, मांग पक्ष प्रबंधन आदि सहित ऊर्जा मुद्दों के सभी पहलुओं की जांच करना, अपने काम के माध्यम से आईएई मतलब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उन नवीन उन नीतियों की वकालत करता है जो सदस्य देशों में ऊर्जा की विश्वसनीयता, समर्थ और स्थिरता को बढ़ावा देता है। हम लोग इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के फोकस क्षेत्रों की बात करें तो ऊर्जा दक्षता, सभी ईंधन और ऊर्जा स्रोतों के लिए विविधता, दक्षता, लचीलापन और विश्वसनीयता को बढ़ावा देना इसका मुख्य क्षेत्र है। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और ऊर्जा तंगी को खत्म करने के लिए मुक्त व्यापार का समर्थन करना इसका प्रमुख क्षेत्र है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण पर इनके प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत विकल्पों का विश्लेषण करना, वैश्विक स्तर का कार्य साझेदार देशों विशेष रूप से प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर काम करना, साझा ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान खोजना, ये सभी आपके फोकस बिंदु हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, अगला संगठन होगा हमारा इसरो। ठीक है,